नमस्कार। हम आयुर्वेदीय शरीर इस विषय के अंतर्गत कोष्ठ और कोष्ठांग की चर्चा कर रहे हैं, और उसमें अभी हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं स्थूलांत्र, लघ्वंत्र एवं उत्तरबुध, अधरबुध इत्यादि अवयव। तो चलिए हम सबसे पहले जो बात देखेंगे अभी कोष्ठांग, तो वह देखेंगे क्षुद्रांत्र। और क्षुद्रांत्र इस शब्द से, स्थूलांत्र क्षुद्रांत्र ऐसे शब्द प्रयोग चरकाचार्य स्वयं करते हैं। तो स्थूलांत्र इस शब्द से हमने पक्वाशय या पुरीषाधार, इन सभी शब्दों से एक ही अवयव या कोष्ठांग जानना चाहिए। तस्य प्रमुखा भागाः पक्वाशयाः, यानी आंत्र यह संज्ञा जिसको दी जाती है, जिसे हम आते या मराठी में आतड़े ऐसे हम बोलते हैं उसको, तो स्पेशली ये कोलॉन्स है। तो इनको आयुर्वेद के आचार्यों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में किस प्रकार इसका वर्णन है, इसको हमने जानना है। यह वो हमारा उद्देश्य है। तो विशेषतः जब वात के स्थान अष्टांग हृदय में वर्णन किए जाते हैं, पक्वाशय कटि सक्थि श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम् स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो वहां पे वो शब्द प्रयोग पक्वाधान जिस अवयव का करते हैं, वह स्थूलांत्र, पक्वाशय या पुरीषाधार है। चरक विमानस्थान 5वें अध्याय में पुरीषवाहानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलं स्थूलबुदं च, इस प्रकार हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, यानी पुरीष वह संबंधित स्रोत से जो भी अवयव निगड़ित है, उनमें से मूल एक पक्वाशय है। आगे कला के बारे में, पंचमी पुरीषधरा नाम, तो ये कला के लिए है, या अंतक कोष्ठे मलम अविभजते पक्वाशयस्था। तो 5वीं कला जो अष्टांग, सॉरी सुश्रुत संहिता शारीर स्थान के 4थे अध्याय में कलाओं का वर्णन मिलता है, उसमें से 5वीं कला यह पुरीषधरा नाम की कला है। और उसके बारे में सुश्रुताचार्य बताते हैं कि ये कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित हुई है, और उसका कार्य क्या है, मलम विभजते, यानी वह मल को पृथक करती है। ठीक है, आगे भवति चात्र बोल के इसके आगे भी एक श्लोक है, यकृत समन्तात् कोष्ठं च तथा अंत्राणि समाश्रिताः उण्डुकस्थं विभजते मलम मलधरा कला। तो ये मलधरा कला के बारे में भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो पुरीषधरा कला ही मलधरा कला है, वह अलग से षष्ठी कला फिर पित्तधरा कला नाम बताते हैं। यानी पुरीषधरा कला और मलधरा कला, ये दोनों ही कलाएं जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और उस पुरीषधरा कला की व्याप्ति जब बताते हैं, क्योंकि स्थूलांत्र से पुरीषाधार, ठीक है, पुरीषाशय या पक्वाशय, इन शब्दों से हमें अर्थ पता चलता है ये एक ही कोष्ठांग या अवयव है। तो इसलिए हमने जो यकृत समन्तात् कोष्ठं च तथा अंत्राणि समाश्रिताः, ये जो श्लोक उसके आगे का है उसको भी देखा। तो उसका अर्थ यह है कि यकृत और कोष्ठ के समीपवर्ती आंतों में समाश्रित मलधरा कला जो है, वो उंडुकस्थित मल को विभक्त करती है। अभी देखिए, यहाँ पे जो मल को विभक्त करती है या मल को पृथक करती है, इसका अर्थ हमने जानना चाहिए कि यहाँ पे सार भाग और किट्ट भाग, यानी जो सार भाग है वो रक्त धातु में उसका शोषण किया जाएगा। ये कार्य पक्वाशय में ही होता है, यानी कोलॉन्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन और रेक्टम, ये टोटल हमने स्थूलांत्र समझना चाहिए। ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अवयवों को हम कहें तो अंतराणि इस शब्द से स्थूल अंतर और
क्षुद्र अंत्र, इन दोनों को लेना चाहिए। स्थूल अंत्र यानी यह हो गया हम जिसे कोलॉन्स कहते हैं विथ रेक्टम, और जो सूक्ष्म अंत्र या शूद्र अंत्र जो कहते हैं उसको हमने क्या जानना चाहिए, विशेषतः लघु अंत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स जानना चाहिए क्षुद्र अंत्र को। यहाँ पे जो यकृत समन्तात कोष्ठम च तथा अंतराणि समाश्रिताः, यहाँ पे अंतराणि नामक जो बहुवचन है इससे स्थूल अंत्र और क्षुद्र अंत्र दोनों को लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्षुद्रांत्र इसको जो समझने की हम बात कह रहे हैं इसीलिए कि आयुर्वेद के दृष्टि से ये मुख्यतः रचना एवं क्रिया इन दोनों को मिलाते हुए वर्णन हमें आयुर्वेद के ग्रंथों में प्राप्त होता है और वह चिकित्सीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगे जो चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय गृहिणी चिकित्सा अध्याय है वहां पे भी पक्वाशय में शोषण का कार्य होता है यानी असिमुलेशन वहां पे होता है यह स्पष्ट किया गया है। पक्वाशयम तु प्राप्तस्य शोष्यमानस्य वह्निना, परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटुभावता। तो पक्वाशय में शोषण का कार्य होता है यानी सारभाग जो है आहार रस वह शोषित किया जाएगा और वह फिर रक्त धमनियों द्वारा वह अन्य पेशिकाओं को पहुंचाया जाएगा। वैसे ही वहां पे किट भाग विभाजित होता है और यह कार्य जो है यह स्थूलांत्र में होता है। तो इस स्लाइड में आप अभी समझिए स्थूलांत्र शब्द से हमने क्या जानना है। तो स्थूलांत्र में हमने उंडुक यानी यहां से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह आके उंडुक यानी जिसे हम सीकम कहते हैं वहां पे आएगा, तो सीकम से स्थूलांत्र चालू होता है। फिर पक्वाशय, पक्वाधान व आज की भाषा में कोलॉन, उसके बाद में पेल्विक कोलॉन, ऐसा शब्द प्रयोग पहले हमारे मॉडर्न एनाटॉमी के बुक्स में भी मिलता है यानी उसको डिम्भ ऐसा शब्द प्रयोग आया है। देखिए डिम्भ शब्द का उपयोग यह हमें कोष्ठांग में मिलता है इसलिए कोई कोई परीक्षक डिम्भ इस अंश से या इस परिभाषा से आपको पूछ सकता है। तो डिम्भ का मतलब पेल्विक कोलॉन लेना है आपने, ठीक है। और फिर डिम्भ के बाद पेल्विक कोलॉन यानी कौन सा कोलॉन लेना है, पेल्विक में जो आएगा वो सिग्मोइड कोलॉन मुख्यतः, ठीक है। फिर स्थूल गुद ये जो शब्द आया है यानी स्थूल गुद यानी गुद के संबंधित सब अवयव अंगावयव, तो उनमें मलाशय जिसे वर्चस्थान भी कहते हैं, मलाधार भी कहते हैं, पुरुषाशय कहते हैं, पुरुषाधान कहते हैं और रेक्टम आज की भाषा में या मॉडर्न एनाटॉमी, और उसको उत्तर गुद ऐसा चरक में कहा गया है यानी रेक्टम को उत्तर गुद कहा है, उत्तर यानी ऊपर की ओर जो रहता है वो, और अधर गुद यानी एनल कैनाल, ठीक है। तो ये अगर आपने सामने जो अभी आपके स्लाइड है उसको अगर ठीक से जाना तो आयुर्वेद की परिभाषा में कोष्ठांग बिल्कुल आप ठीक से लिख पाओगे और उससे संबंधित मॉडर्न एनाटॉमी में जो है आपने लिखना वो भी आसानी से लिखोगे आप। तो ये स्लाइड बिल्कुल आपके मन में या स्मृति में आप पक्का कर दे। इसके बाद में गुद देखेंगे हम, तो गुद को ही पायु नाम से भी सिनोनिम है और कोष्ठांग का पायु ऐसे उल्लेख अष्टांग हृदय में भी आया है, संग्रह में आया है। आगे इसको उत्तर गुद न कहते हुए यहाँ पे कौन सा शब्द हमने प्रयोग किया था, तो यहाँ अधर गुद यह शब्द प्रयोग करना चाहिए विशेषतः गुद के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्थूल गुद ऐसे करते फिर उत्तर गुद और अधर गुद, तो यहाँ पे गुद शब्द से हमें अष्टांग हृदय में विशेषतः
अपानोपानगः श्रोणि बस्ति मेढ्रो रुगोचरः शुक्रावस्तु शुक्रार्तव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रियाः। ये अपान वायु के कार्य क्षेत्र में आने वाला कोष्ठांग है। वातो वर्चो निस्सरणम स्थूलांतर प्रतिबद्धम गुदम नाम मर्म तत्र सद्यो मरणम। तो शरीर स्थान छठे अध्याय में मर्मों का वर्णन करते हुए गुद मर्म ये सद्य प्राणहर है ये बताते हैं, और वह गुद जो है वो स्थूलांतर से संबंधित है यानी कोलोन से एसोसिएटेड या अटैच है ऐसा हम कह सकते हैं। और वह क्या कार्य करता है? वात वर्च निस्सरणम, वात यानी और वर्च यानी स्थूल मल पुरीष मल फिकल मटेरियल। अभी चक्रपाणी दत्त जी की जो टीका है चरक शारीरस्थान सातवें अध्याय में, तो उत्तर गुदम यत्र पुरीषम अवतिष्ठते येन तु पुरीषम निष्क्रमति तद अधर गुदम। तो ये यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट होता है चरक शारीरस्थान सातवें अध्याय में चक्रपाणी दत्त जी की टीका में कि वह उत्तर गुद और अधर गुद यह सेपरेटली मेंशन करते हैं। और चक्रपाणी दत्त जी बताते हैं उत्तर गुद यानी रेक्टम और अधर गुद यानी एनल कैनाल ये लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये स्पष्ट किया गया है। सो गुदस्य अंतिमो भागो गुदौष्ठ इति कीर्तिताः। जो एनल रिंग होती है उसे गुदौष्ठ यहाँ पे कहा है, स्फिंक्टर मसल। यहाँ शिर शरीरस्थ मूलम भवति तद्वत एव गुदम अपि। जैसे शिर शरीर का मूल है वैसे ही अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में गुद भी शरीर का मूल स्थान है ऐसे बताया है। यहाँ पे आगे देखेंगे सुश्रुत के रेफरेंस निदान स्थान के पक्वाधान अनलयो अपानाह काले कर्षति च अपि अयम समीरणाः शक्रुन्मूत्र शुक्र गर्भ आर्तवानि अधाः। तो यहाँ पे अपान वायु के क्षेत्र में पक्वाधान पक्वाशय आता है और उसका शक्रु यानी पुरीष मल मूत्र शुक्र और गर्भ आर्तव इनका क्या करना है, इनको प्रेरित करना है या इनकी जो क्रियाएं है वो करवाना है। ये अपान के बारे में, अपान नामक जो समीरण यानी वात वायु है वो। ठीक है, तो यहाँ पे रोमांतेभ्यो यव अधि अर्धो गुदौष्ठ परिकर्तिता। तो सुश्रुत निदान स्थान में ये रोम का अंत जहां होता है अर्ध यव के मात्र का गुदौष्ठ होता है, तो गुद के ओष्ठ का यानी अनल रिंग का यहाँ पे वह स्पष्टीकरण जो है वो डिटेल्स में बताते हैं। अभी अधर गुद यानी एनल कैनाल, तो ये स्वतंत्र टीप भी या एसएक्यू में पूछा जा सकता है इसलिए आप इसको जानिए। अतएव चरकाचार्य है उक्तम, चरक सिद्धि स्थान अध्याय में वह बताते हैं मूले निषिक्तो ही यथाद्रुमाः स्यात् नीलच्छदाः कोमल पल्लवात्र्याः काले महान पुष्प फल प्रदश्च तथा नराह स्यात् अनुवासनेन। तो अनुवासन बस्ती की फलश्रुति या अनुवासन बस्ती यानी स्नेह बस्ती यानी औषध सिद्ध तेल या तेल बस्ती स्निग्ध बस्ती की फलश्रुति या लाभ बताते हुए चरकाचार्य लिखते हैं जिस प्रकार मूल को यानी वृक्ष की मूल को अगर आप उसको पानी देते हैं निषिक्तो ही यथा द्रमाः, तो नील छदाहा तो कोमल पल्लवाहा यानी नीले नीले ऐसे लाइट ब्लू कलर की वहां पे कोमल पल्लव यानी लीव्स पन्ने निकलते हैं यानी वह जो द्रुम है यानी वृक्ष है या हम प्लांट कहेंगे वो फलता है फूलता है उसी प्रकार, और फिर उचित समय पे पुष्प और फल प्रदान करता है वह वृक्ष, वैसे ही तथा नराहा तो वैसे ही मनुष्य को अनुवासन बस्ती अगर दी जाए तो वह वृक्ष के मूल को जैसे पानी या पोषण देते हैं उसी प्रकार वह जो है शरीर का पोषण करता है और उक्त या उचित समय पे पुष्प फल प्रदाह यानी उसके जो है कार्य उन उन अवयवों को अच्छे प्रकार से देखने को मिलेगी। तो अधर गुद में ये लिखने का मतलब यही था
इस दृष्टांत में जो चरक सिद्धिस्थान में बता रहे चरकाचार्य, मूल दृष्टांतेन गुदस्य देह मूलत्वम दर्शयति। तो यहाँ पे मूल शब्द का जो प्रयोग किया है वह गुदस्य देह मूलत्वम दर्शति। गुद जो है वो देह का, संपूर्ण शरीर का मूल स्थान है, यह यहाँ पे गुद के विषय में आपको बताना है। उक्तम ही पराशरे, पराशर आचार्य मुनि लिखते हैं, मूलम गुदम शरीरस्य सिराह तत्र प्रतिष्ठिता सर्वम शरीरम पुष्णन्ति मूर्धानम यावद आश्रिताः। तो चक्रपाणि दत्त जी अपनी टीका में पराशर जी का, यहाँ पे पराशर संहिता में से जो श्लोक है उसको उद्धृत करते हैं और वहां पे भी गुद को मूल स्थान बताया है और दैट इज हैविंग अ रिच वेसल या ब्लड सप्लाई, इस पद्धति से वहां पे बताते हैं और इसलिए वहां पे एब्सॉर्प्शन जो रहेगा वो फास्ट रहेगा, बिल्कुल वहां पे स्पीड जो रहेगा एब्सॉर्प्शन का बहुत ही हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड रहेगा। तो इसीलिए बस्ती द्रव्य जो है वह वहां पे कितना समय बस्ती ठहरता है तो उतना उसको ज्यादा लाभ होगा उस व्यक्ति को। आगे जाते हैं, तत्र स्थूलांत्र प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुलम गुदम आहु। यहाँ पे सुश्रुत निदान स्थान में प्रमाण भी बताया है। तो पंचांगुल यानी पांच उंगली, अंगुली प्रमाण बता रहे गुद का, और अर्ध यानी साढ़े पांच अंगुली प्रमाण बताया है। तो एनल कैनाल जो है या अधर गुद जो है विशेषतः इस पद्धति से उसका गणन आयुर्वेद के ग्रंथों में सुश्रुताचार्य करते हैं। तस्मिन् वलयाः तिस्रो अधि अर्धांगुलांतर संभूताः प्रवाहनी विसर्जनी संवरणी। तो ये तीन जो है तीसरो, ये तीन वलय होती है यानी तीन रीजन उन्होंने बताए हैं और उन रीजन्स के एनल कैनाल के प्रवाहनी विसर्जनी संवरणी ऐसे उन्होंने भाग किए हैं, उसके डिविजन्स किए हैं और इन तीन डिविजन्स जो है वो प्रत्येक डिवीजन जो है वो अर्ध अंगुल यानी साढ़े तीन अंगुल, ठीक है, अधि अर्ध अंगुल, तीसरो अधि अर्ध अंगुल अंतर संभूता है यानी साढ़े तीन अंगुल ऐसे हरेक का इस कला का जो है सॉरी वली का जो है वो उन्होंने गणना की है। आगे चतुरंगुलायतः सर्वाः तीर्यक अंगुलोश्रिताः प्रथमातु गुदौष्ठो अंगुलमात्रे। तो निदान स्थान में गुदौष्ठ जो है वह एक अंगुल मात्र बताया है, उसका एक अंगुल प्रमाण बताया है। अब गुदस्थान में होने वाली व्याधियों की गणना देखिए, अर्श गुदभ्रंश भगंदर इत्यादि। तो इनको एनोरेक्टल डिसीजेस कहते हैं, अर्श यानी हिमोराइड्स, गुदभ्रंश प्रोलैप्स ऑफ द एनस या एनल प्रोलैप्स, भगंदर यानी फिस्चुला। तो ये उसके मैंने संक्षेप में नाम आपको बता दिए समझने के लिए। उसके बाद में क्षुद्रांत्र यानी जिसे लघ्वंत्र भी कहते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन उसको जानेंगे। क्षुद्रांत्रस्य आयामः, तो यहाँ पे सबसे पहले क्षुद्रांत का आयाम यानी क्षुद्रांत का प्रमाण बताते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है। तो लंबाई बिल्कुल यहाँ पे सहज स्वरूप में बताई है, सार्ध त्रिव्यामानी अंतराणी पुमान स्त्रीनाम अर्ध व्यामहीनानी। तो इसका अर्थ ये बतलाया, क्षुद्रांतर की लंबाई यहाँ पे बता रहे हैं, पुरुषों की आते जो है वह साढ़े तीन व्याम होती है और स्त्रियों की आधा व्याम कम यानी तीन व्याम। तो साढ़े तीन व्याम मेल बॉडी में और तीन व्याम जो है वो फीमेल बॉडी में। तो व्याम जो है वो उस वक्त का जो है लंबाई मापने का यूनिट है, ठीक है। जैसे आज हम सेंटीमीटर या इंच या मीटर किलोमीटर ये हम लंबाई मापने के लिए करते हैं, प्रमाण यूज करते हैं यूनिट्स, वैसे ही व्याम जो है उस वक्त का जो है यूनिट है लंबाई मापने का। तो एक व्याम माने कितना, तो एक व्याम को अमरकोश में बताया है, व्यामाह बाहो सकरयो हो तयो तीर्यक अंतरम, यानी दोनों हाथ दोनों कंधों की रेखा में
शरीर से अगर आप दूर फैलाते हो तो जो अंदर अंतर प्राप्त होता है, जो लंबाई होगी, उसको एक व्याम कहते हैं। अभी सुश्रुताचार्य जी के ही 35वें अध्याय में सूत्र स्थान के जो आदर्श पुरुष बताया है, या स्टैंडर्ड प्रमाण के पुरुष के प्रमाण बताए हैं, उसके अनुसार व्याम अगर हम समझे तो उसकी लंबाई, ये जो बताया दोनों हाथ फैलाकर कंधों की रेखा में, उसको अगर मापा जाए तो 130 अंगुलियां इतना अंतर होता है। और 130 अंगुलियां यानी लगभग आज की भाषा में 7 फुट, ठीक है। इस पद्धति से अगर 7 फुट यह एक व्याम हुआ तो मेल बॉडी में ये आंते जो है वह 24.5 फुट लंबी रहेगी और स्त्रियों में 21 फुट उसकी लंबाई रहेगी, ठीक है। अभी आधुनिक जो मॉडर्न बुक्स है एनाटॉमी की, उसमें आंत्र की लंबाई जो है वो थोड़ी सी भिन्न हमें दिखाई देती है। वो क्षुद्रांत्र की यानी कोलॉन्स की, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स, उनकी लंबाई एवरेज वह 22.5 बता रहे हैं। तो देखिए, पुरुष में 24.5 आयुर्वेद के ग्रंथ बता रहे हैं यानी सुश्रुत संहिता में, और स्त्रियों के आते 21 फुट। तो लगभग मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न एनाटॉमी में वह लंबाई 22.5 बताई है, तो एवरेज जो है वह उतनी ही है। अभी अधिक से अधिक जो मॉडर्न के बुक्स में लिखा है हाथों की लंबाई वो 32 फुट और कम से कम 15.5 फुट इस प्रकार से बताई है। अभी देखिए, इसको हम ज्यादा डिटेल में न खींचते हुए आयुर्वेद के ग्रंथों का जो वर्णन है, इनसे हम इतना ही प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान कि शव विच्छेदन की प्रक्रिया विस्तार से वहां वर्णन की गई है और वह प्रत्यक्ष प्रमाण से देखी हुई बातें या कोष्ठांग अवयवों का वर्णन ग्रंथों में आचार्यों ने देने का या ढालने का प्रयत्न जो किया है वह बहुत स्तुत्य, और आज के जमाने के दृष्टि से अगर उसकी हम तुलना करें तो वह बहुत ही यथार्थ वर्णन मिलता है, ठीक है। अभी सुश्रुत शारीरस्थान 4वें अध्याय में पित्तधरा कला बताई है, और वहां पे उससे पहले लघ्वंत्र, क्षुद्रांत्र और पच्यमानाशय, ये जो शब्द जो है वह समानार्थक है अगर इन ग्रॉस उनको कहे तो। ये आचार्य गवि पुरोहित जो शारीर का संस्कृत में वो ग्रंथों के, आयुर्वेद के ग्रंथों के संकलन किए हैं शारीर का, वह बताते हैं। अभी षष्टि पित्तधरा नाम सा चतुर्विधम अन्नपानम उपभुक्तम आमाशयात प्रच्युतम पक्वाशयोपस्थितम धारयति। तो इस पद्धति से क्षुद्रांत्र में भी पित्तधरा कला विद्यमान होती है, यह आपको मैं बताना चाहता हूं। आगे का अवयव है वपावहन। तो वपावहन को चक्रपाणि दत्त तैलवर्तिका भी कहते हैं। तो तैलवर्तिका नाम से आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, या वपावहनम नाम से पूछा जा सकता है। अवयव एक ही है ओमेंटम, और ओमेंटम दो होते हैं, लेजर ओमेंटम या छोटा तैलवर्तिका हम कहेंगे उसको, और ग्रेटर ओमेंटम यानी आकार में बड़ा। तो वपा नाम आमाशय पक्वाशय संबद्धम स्तर चतुष्ट्यात्मकम यानी उसके 4 थर होते हैं, लेयर्स होते हैं। अतीव तरलम, वह बहुत ही तरल यानी उसकी चौड़ाई जो है बहुत ही कम है, तरल है। पटलवत यानी कोई पटल हो, पर्दा हो, इस पद्धति से। अंतराच्छादनम, और वो आंतों को आच्छादन करती है यानी उसको ढकती है। येन संच्छाद्यते अंतराणि, ऐसा प्रत्यक्ष शारीरम नामक पुस्तक में ये वपा का या वपावहन का वर्णन है। श्रोतोविमान अध्याय में मेदोवहानाम स्रोतसाम मूलम वपावहनम, तो मेदोवह स्रोतस का मूल स्थान हमें वपावहन मिलता है। वपावहनम मेदस्थानम तैलवर्तिका इति ख्यातम, तो तैलवर्तिका नाम से भी वह प्रसिद्ध है ऐसा
इस कोष्ठांग का वर्णन चक्रपाणी दत्त जी कहते हैं। आगे अवयव आता है कोष्ठांग उंडुक। तो उंडुक क्या है? तो उंडुक आज की भाषा में एनाटॉमी में उसको हम सीकम कह सकते हैं। तो ड्यूओडेनम कंटिन्यू होता है जेजुनम, और जेजुनम फिर एलियम में, और एलियम आके मिलता है सीकम में, और फिर सीकम से ही लार्ज इंटेस्टाइन या कोलॉन्स जो है वो प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्माइड कोलॉन, रेक्टम और एनल कैनाल। ये आप चित्र में देख सकते हो सामने वाले। सो ये अवयव कौन सा है? ये मध्यम अंग है कोष्ठ का। इसका मतलब क्या? तो विशेषतः मलधरा कला के बारे में उंडुक का हमें वर्णन मिलता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखने वाले हैं। उंडुकस्थम विभजते मलम मलधरा कला। तो उंडुक से ये प्रारंभ कार्य यानी बृहदांत्र में, या जिसे स्थूलांत्र शब्द भी हमने चरकाचार्य जी का देखा है, कोलॉन्स में ये कार्य होता है। और गर्भावस्था में, गर्भ शरीर में शोणित किट्ट प्रभवाहा उंडुकाहा। तो सुश्रुतचारिस्थान चौथे अध्याय में ये जो वर्णन मिलता है कि शोणित का जो किट्ट यानी मलभाग है उससे उंडुक की यानी सीकम की उत्पत्ति होती है। और उस व्याख्या में पुरुषो उंडुकाहा इति चरके। तो चरक इसको पुरुषो उंडुका उंडुकाहा ऐसे कहते हैं, यानी पुरुष निर्माण यानी मल का निर्मिति वहां से शुरुआत होती है इसलिए। ठीक है, तो इट इज एन अवयव ऑफ मध्यम अंग दैट इज द कोष्ठ विच हैज रिलेशन विथ मल दैट इज द वेस्ट मटेरियल, स्पेशली विथ आहार मल दैट इज पुरुष मल फीकल मटेरियल। सो इट शुड बी सिचुएटेड बिलो द नाभि एंड इन पक्वाशय। ठीक है, तो बिकॉज नाभि इज डिफाइंड एज अ प्लेस ऑफ अग्नि एंड बिलो दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टूड्स फूड स्टार्ट्स इन पक्वाशय। तो यहाँ से जो है वह सारकिट्ट विभाजन की प्रक्रिया चालू होती है, इसीलिए ये उंडुक अवयव महत्वपूर्ण है और उसको मलधरा कला का एक प्रमुख स्थान माना गया है। डल्हनाचार्य इसको बताते हैं कि उंडुक कहाँ पे स्थित है, तो वह बताते हैं पक्वाशय में, और वह कार्य क्या करता है, तो प्रोवाइड स्टोरेज प्लेस फॉर द सेपरेटेड मला। ओके, सो मल को वह स्वतंत्र करने का कार्य करता है उंडुक, ऐसे डल्हनाचार्य हमें बताते हैं। तो ये रेफरेंसेस हमने देखे हैं, उंडुकस्थम विभजते मलम मलधरा कला। तो डिंभ नाम से भी हमें जो विविध हमने कोष्ठांग देखे थे उसमें डिंभ नाम से भी एक कोष्ठांग मिलता है, और डिंभ का अर्थ हमने कोलॉन या पक्वाधान लेना है, उसमें से भी कौन सा, तो पेल्विक कोलॉन हमने लेना है यानी सिग्मोइड कोलॉन। तो डिंभ अगर आए तो आप कोलॉन्स का यानी स्थूलांत्र का ही वर्णन लिखना अपेक्षित है। आगे का जो फुफ्फुस इत्यादि अवयव आते हैं उनको हम एक स्वतंत्र व्याख्यान में देखने का आगे के व्याख्यान में प्रयास करेंगे। तो यहाँ इस व्याख्यान को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।